चलिए जी, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक हमने कौन सा पढ़ना है। टू डे लेक्चर समरी। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट। स्टेट के बारे में आज के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट, मीनिंग ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स आर बेसिस ऑफ स्टेट। ये जो इसके एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं, ये इनको भी हम डिटेल में आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई एमसीक्यूज या कोई आपका क्यूरी नहीं रह जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट, स्टेट को सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर। इसकी स्टेट क्या है? स्टेट देखें, जब दो या दो से ज़्यादा विलेजेस मिलते हैं तो आपके पास एक तहसील बनती है। जब दो या दो से ज़्यादा तहसीलें मिलती हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं तो प्रोविंस बनता है। दो या दो से ज़्यादा प्रोविंस जब मिलते हैं तो वो आपके पास एक स्टेट बनती है, एक रियासत बनती है। पहले दो गाँव थे, गाँव दो या दो से ज़्यादा गाँव होंगे तो तहसील बनेगी, तहसीलें दो या दो से ज़्यादा होंगी तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ज़िला बनेगा। इसी तरह दो डिस्ट्रिक्ट होंगे तो प्रोविंस बनेगा, प्रोविंस होंगे तो वो स्टेट बनेगी। इसका जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पर्सन जो मैचावली थे उन्होंने दिया। इन्होंने 1523 को एक बुक लिखी द प्रिंस, और इसमें सबसे पहले इन्होंने स्टेट को बयान किया था। ये इसकी ओरिजिन पॉइंट है इनका, स्टेट का। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट के, स्टेट असल में है क्या। स्टेट जो है एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप अ क्लास, या एक ग्रुप या एक क्लास। तो जर्मन ट्राइब में इसको ट्रियोन्स कहते हैं, और ये इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेट, कंट्री इज कॉल्ड स्टेट। यानी आप जनरली आप कह सकते हैं कि जो कंट्री होता है वो स्टेट ही होती है। जो आपके पास स्टेट है इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? एक लॉज के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक ऑर्डर्स के इंस्टीट्यूशन होते हैं। जहाँ ऑर्डर्स और लॉज के इंस्टीट्यूशन हो वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। तो उम्मीद है आप मीनिंग समझ गए होंगे कि स्टेट का मीनिंग क्या है। अब कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो जहाँ पर ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जब एक टेरिटरी में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्टेट। इसके लिए ख़ास टर्म यूज़ की गई है हारमनी। हारमनी का वही मतलब होता है कि जहाँ पर लॉज और ऑर्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। स्टेट की पहली डेफिनेशन है द स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद अ डेफिनेट टेरिटरी। यानी कि ख़ास इलाके में जब लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से लॉज को फॉलो करते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। ये पहली डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन है अ स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्टिंग अंडर अ गवर्नमेंट। कि स्टेट क्या होती है? कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, तो वो क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। कि कोई भी आपके गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व होते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? स्टेट कहते हैं। नंबर थ्री, कम्बिनेशन ऑफ प्रोविंसेस इज कॉल्ड स्टेट। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब बहुत से प्रोविंसेस आपस में मिलते हैं, उनका कम्बिनेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है? स्टेट कहते हैं। तो ये स्टेट के मेन तीन डेफिनेशन हैं जिसको आप स्टेट को अच्छे मायने में समझ सकते हैं। उम्मीद है आप अभी तक स्टेट का कुछ कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं एलिमेंट्स और बेसिस। इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और बेसिस भी बोलते हैं। एलिमेंट्स जो स्टेट के हैं वो टोटल चार हैं। कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हैं और कुछ पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं। जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं यानी फिजिकल बेसिस हैं, उनमें सबसे पहले आती है पॉपुलेशन, और नंबर टू पर आती है टेरिटरी। ये आपके पास फिजिकल एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उसमें आती है गवर्नमेंट, और नंबर फोर पे आती है सॉवरेंटी। तो ये चार टोटल इसके एलिमेंट्स हैं यानी बेसिस ऑफ स्टेट्स हैं। कुछ फिजिकल हैं और कुछ पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल हैं। देर आर मेन फोर एलिमेंट्स आर बेसिस ऑफ स्टेट। इसके चार एलिमेंट्स हैं या बेसिस हैं स्टेट की। अब इनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन है इट इज़ द पीपल हु मेक द स्टेट। के वो वाले लोग जो एक स्टेट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर टू इसका पॉइंट है अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉपुलेशन। देखिए, यहाँ पर आबादी नहीं होगी, वहाँ पर एक मुल्क कैसे बनेगा, वहाँ पर एक स्टेट कैसे बनेगी?
नंबर थ्री वाला जो पॉइंट है वो ये कहता है द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी फिक्स, कि पॉपुलेशन का साइज फिक्स नहीं है, कितनी पॉपुलेशन होगी तो हम उसको स्टेट कह सकते हैं, ये जितनी ज़्यादा आबादी हो जितनी मर्जी आबादी हो उसको क्या कह सकते हैं, हम स्टेट कह सकते हैं। देर इज़ नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सिटीजन इन अ स्टेट, कि इसमें कोई तादाद की ज़रूरत नहीं है, लिमिट नहीं है कि कितने सिटीजन होने चाहिए, नंबर ऑफ सिटीजन होने चाहिए स्टेट में, जितने मर्जी हों हम उसको एक स्टेट बोल सकते हैं अगर उसके चार एलिमेंट्स हैं तो। अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इन अ स्टेट, कि कितने पर्सन होने चाहिए स्टेट में। प्लाटो के अकॉर्डिंग 5040 पर्सन होने चाहिए, अगर 5040 पर्सन एक खास डेफिनेट टेरिटरी में हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उसको स्टेट कह सकते हैं। जबकि एरिस्टोटल कहते हैं कि 10,000 टू 100,000 पर्सन हो तो हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। जबकि रोसियो कहते हैं कि 10,000 अगर आपके पास पर्सन हो तो उसको हम स्टेट कह सकते हैं। जो रोसियो थे इन्होंने एक आइडियल सोसाइटी के तौर पर पर्सन की तादाद बताई है, तो ये तो इनका कंसेप्ट था। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास कुछ लार्ज स्टेट्स भी हैं और कुछ स्मॉल स्टेट्स भी हैं। लार्ज स्टेट्स में हमारे पास रशिया है, चाइना है, इंडिया है, जबकि स्मॉल स्टेट्स में मोनार्को है, सन मेरियो। अब मॉडर्न टाइम में जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स है कुछ की मैं बता देता हूँ, पनामा जो है उसकी 40,00,000 है, अल्बानिया की 20,00,000 है, USSR की 28 करोड़ है, USA की 32 करोड़ है, एंड पाकिस्तान की 22 करोड़ है। तो ये पॉपुलेशन आज के दौर की है। अब हम देख लेते हैं जी पॉपुलेशंस की टाइप्स, पॉपुलेशंस की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स है फुल मेंबर्स, नंबर टू पे है सब्जेक्ट्स या नेशनल्स मेंबर, नंबर थ्री पे आता है नॉन मेंबर्स या एलियंस। अब फुल मेंबर्स क्या होते हैं, दे एंजॉय ऑल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ स्टेट, ये जो भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल या सिविल जो भी राइट्स हैं, जो भी हकूक हैं, इन सबको दिए जाते हैं और ये इंजॉय करते हैं इसको, जो फुल मेंबर होते हैं। जबकि जो सब्जेक्ट्स आर नेशन होते हैं, दोज पीपल हु आर गिवन सम राइट्स एंड डिनाइड फ्रॉम सम राइट्स ऑफ स्टेट, ये वो वाले पर्सन होते हैं जिनको आधे हकूक दिए जाते हैं और आधे हकूक नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राइट टू वोट बट नॉट सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको वोट देने का हक तो होता है लेकिन ये पार्लियामेंट में सिलेक्ट नहीं हो सकते। जबकि जो नॉन मेंबर्स होते हैं, दे एंजॉय सम सिविल राइट्स ऑफ द स्टेट, ये कुछ सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं एक स्टेट की, जैसे कि लाइफ, फ्री मूवमेंट, यानी कहीं जा सकते हैं, फ्री घूम सकते हैं, और ये इनके सिविल राइट्स हैं, इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलियंस। अब हम बात करते हैं ये टेरिटरी की, पॉपुलेशन ख़त्म हुआ, टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी में क्या आती है, एक स्पेस आती है, माउंटेन्स आते हैं, लैंड्स आती है, सॉइल आती है, लेक्स आती हैं, रिवर्स आते हैं, सी एरियाज आते हैं, और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। ये सारी चीज़ों के कम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, टेरिटरी। ये टेरिटरी का मतलब होता है ख़ास इलाका, ख़ास जगह, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक टेरिटरी। अब हम टेरिटरी को समझते हैं, साइज ऑफ टेरिटरी, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स टेरिटरी, एक फिक्स टेरिटरी अगर इलाका नहीं होगा तो हम एक स्टेट उसको नहीं कंसिडर कर सकते, किसी भी स्टेट को। स्टेट के लिए लाजमी एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए। देर इज़ नो क्लियर एक्सेप्शन एज फॉर साइज ऑफ एन आइडियल स्टेट, इसके भी साइज का कोई आइडियल नहीं है कि आप इतनी आइडियल स्टेट के लिए हमारे पास इतनी टेरिटरी होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, स्मॉल टेरिटरी हमारे पास इसराइल है, समोरियो है, वैक्टियन सिटी है, लार्ज टेरिटरी हमारे पास रशिया है, चाइना है, बहुत सी इस तरह हमारे पास स्टेट्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड एलिमेंट्स की, जो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या होती है, दी डेफिनेशन इसकी है, द मशीनरी थ्रू विच विल ऑफ स्टेट इज़ फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड, ये एक मशीनरी होती है जो स्टेट को फॉर्मुलेटेड करती है एंड एक्सप्रेस्ड करती है, बयान करती है, यानी हमने एक ऐसे तरीके से गवर्नमेंट को चलाना है, ऐसी तरीके से स्टेट को चलाना है। देर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बगैर नहीं रह सकती। इसके सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं, इट्स कीप्स लॉज एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट है ये हमारे लिए लॉज बनाती है, ऑर्डर बनाती है, इट्स मेक्स पॉलिसी फॉर द ऑफ द स्टेट, ये हमारे लिए पॉलिसीज बनाती हैं स्टेट के अंदर, और गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ही काम करती है स्टेट के अंदर। The government is responsible for the maintenance of laws, orders, and the provision of common services like defense, issues of currencies, foreign relations, roads, water, electricity, and health. ये सारे जो इश्यूज हैं इनके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार क्या होते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को पूरा करना होता है, हर इलाके में रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ,
फॉरेन रिलेशंस या इश्यूज ऑफ करेंसी कोई भी इश्यूज बनते हैं तो वो गवर्नमेंट सॉल्व करने आते हैं, बाकी जो तीन एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का ही ये जिम्मेदारी है। अब देखते हैं जी गवर्नमेंट का ऑर्गन्स। ऑर्गन्स इसके तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, एक होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है? मेकिंग या फॉर्मूलेशन ऑफ लॉज, कि ये हमारे लॉज बनाते हैं। नंबर टू क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं यानी अप्लाई करवाते हैं। और नंबर थ्री पे आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज, जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं ये इसको एक्सप्लेन कर देती है। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। अब हम लास्ट एलिमेंट्स पढ़ते हैं सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लैटिन वर्ड से निकला है सेरिनियस। सेरिनियस का मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी। सुप्रीम पावर और अथॉरिटी को क्या कहते हैं? सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम फ्रेंच राइटर थे बोर्डन, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द रिपब्लिक, उसमें इन्होंने सबसे पहले सॉवरेंटी को बयान किया था। द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड सॉवरेंटी, कि जो भी सुप्रीम यानी आला इकतदार की पावर होती है स्टेट के अंदर उसको क्या कहते हैं? सॉवरेंटी कहते हैं। विदाउट सॉवरेंटी देयर कैन बी नो स्टेट इन द लीगल सेंस, कि किस लीगल सेंस में अगर सॉवरेंटी स्टेट में नहीं होगी तो कोई स्टेट कंसीडर भी नहीं की जा सकती उसको। स्टेट के लिए लाजमी है कि उसमें सॉवरेंटी होनी चाहिए यानी इकतदार आला, यानी किसी के पास इख्तियार होना चाहिए कि उस स्टेट को चला सके। अब जैसे कि पाकिस्तान है, उसमें सॉवरेंटी हमने सबसे पहले अल्लाह ताला को दी हुई है, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम चाहते हैं समझते हैं कि अल्लाह ही सॉवरेंटी हमारे इकतदार आला है। अब देखते हैं जी सॉवरेंटी के एस्पेक्ट्स टाइप्स या सॉवरेंटी। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटरनल एस्पेक्ट्स एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। इंटरनल एस्पेक्ट्स क्या होता है? इट इज़ सुप्रीम ऑल ओवर द इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन विद इन इट्स टेरिटरी, कि इंटरनल यानी स्टेट के अंदर जो भी टेरिटरी के अंदर जो भी सुप्रीम पावर होती है वो जिसके हवाले की जाती है उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एस्पेक्ट्स। एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इंडिपेंडेंस ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और आउटसाइड कंट्री। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, यानी जो फॉरेन या बाहर की जो कंट्रीज हैं उससे हम अलग तौर पर अपने मुल्क की सॉवरेंटी को महफूज करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मैंशन इन द कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको खास टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके व्यूअर्स, गुड बाय।